नहीं, ऑनलाइन देखो अरे पेज क्यों बच्चों, करवाएंगे हमसे? अब शांति से सुन लो, अब नो बकवास। कल मैंने आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक बताई थी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या ट्रिक थी? मैम पीके वो नहीं, कौन क्या पीके? पीके आई वंता कौन पीके? मग से कॉफी, कॉफी मक्के कॉफी। कौन हाँ पीके? मग से कॉफी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो की। मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल मैंने कुएं में बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में बेल नहीं फेंकी। फेंकी। अब जो बच्चे आज ही क्लास में आए हैं, लिंक इधर उधर से लेके, मैं वो ध्यान रखना, मैं आज आप लोगों को डिसीज याद करा रही हूँ, ठीक है? तो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, कि हमारे प्लांट्स को किस किस टाइप के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे उनको मिनरल्स चाहिए। उन मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी हुई प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ सकते हैं, आखिरकार प्लांट के अंदर क्या चीज हो जाएगा उसके डेफिशिएंसी से, हमें ये समझना है, ठीक है? मैम ये लेवल चैप्टर है। हाँ जी बेटा, 11th का चैप्टर है, 12th का हम लोगों ने फिनिश कर रखा है, टर्म 1 तक, तो हम 11th ही कर रहे हैं यहाँ ओके मैम, पीवी वाला टॉपिक आपने करवा दिया था शायद। पे। नहीं, ये डिसीज वाला नहीं कराया था ना यार, करा रहे थे, फिर आप लोगों के वो शुरू हो गया यस, था। क्योंकि इम्पोर्टेंट लिखवाया था ना आपने, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है इतना। इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, तो सबसे पहले देखो याद रखना, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये वाला कराया था, यहाँ तक याद होगा आप लोगों को, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड कैसे कैसे जाएगा, ये हमने सीखा था। फिर यहाँ आए थे हम कल के, अब आ गया थोड़ा सा। वेरी गुड। अब आता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम पे, सबसे पहली डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस। बता दे रहा कल, क्लोरोसिस का मतलब होता है जो हमारी लीफ है उसका कलर येलोइंग होना। कलर येलो कब होगा? क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी से। तो क्लोरोसिस के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर येलो हो जाता है। तो मैम हमें, मैंने ये इतना तक आपने पढ़ा दिया था? बताया था सिर्फ, ये भी बताया था कि कौन ओके से एलिमेंट्स की वजह से होता है ये, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से आपका ये सिम्टम आएगा। नहीं मैम, मैम मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम बता रहे, इसके अलावा और भी होता है। तो हमारे पास बता। है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, इन सब की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्लोरोसिस डिसीज हो सकती है। इसकी भी हमें ट्रिक बना के फिर याद रखना पड़ेगा, है ना? फिर नेक्स्ट डिसीज होती है मेरे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है, ठीक है? जनरली सबसे ज्यादा मैक्सिममली लीफ के टिश्यूज की डेथ होती है। किसकी डेफिशिएंसी से? अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तब हो जाएगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई, कॉपर की डेफिशिएंसी हुई, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है? फिर प्लांट के अंदर सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा। सेल डिवीजन कराने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोसिन। साइटोकाइनिन कितना? साइटोसिन, मैम सॉरी मैम, साइटो का साइटोकाइन। साइटोकाइनिन, ठीक है? मैम मैंने सही तो बोला था। अरे आपकी आवाज नहीं आई। निगम 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 को वो क्या मैम है? मैम जल्दी जल्दी मैं साइटोसिन बोल दिया, साइटोकाइनिन की जगह। मैम आज मैंने, मैम कल मैंने गलत बोला ना, आज मैंने पूरा रिवाइज किया। मैंने कहा आज तो कुछ ही पूछ ले मैम, बताने इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इनहिबिट कौन कर सकता है? अगर सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इनकी डेफिशिएंसी हुई। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग को डिले कराएंगे, कौन? नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। अगर मैं आप लोगों को ऐसे ही बोल दूं डायरेक्टली, भाई इनको याद कर लो, नाइट्रोजन पोटेशियम, इसमें कर सकते हो डायरेक्टली याद कि कौन कौन सा क्लोरोसिस, कौन कौन सा भूल जाएंगे नाइट्रोजन, मैम, कौन तो डिले मैम कर रहे पूरे याद हैं, नहीं हो सकते। नहीं होंगे ना? अब देखना जरा ट्रिक से कितनी जल्दी याद हो। ट्रिक में ये याद रखना, देखो सीरीज बना लो, एक सीरीज मेंटेन कर लो कि सबसे पहले लीफ के अंदर क्या होगा, लीफ येलो होनी स्टार्ट होगी। फिर अगर लीफ येलो होगी तो भाई उसको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा प्रॉपरली, क्योंकि उसका क्लोरोफिल कम हो रहा है, लाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगी,
लाइट ट्रैप नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, तो बेचारा फ्लावर कहाँ से डेवलप करेगा, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, फ्लावरिंग डिले होगी तो सेल के अंदर डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। और जब सेल डिवाइड नहीं करेंगे, नए नए सेल्स बनेंगे नहीं, तो पुराने पुराने सेल्स और टिश्यूज की डेथ होती रहेगी। यस मैम। पहला येलो ही होंगे, फिर फ्लावरिंग डिले हो जाएगा, फिर सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा, फिर टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। पहले तो इनकी सीरीज याद रखनी है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? होने लगेगा ना क्या साक्षी? मैम क्लोरोसिस मतलब जो लीव्स का कलर है वो येलोइश होने लगेगा ना? हाँ, तो येलोइश कलर किसकी वजह से होगा? लॉस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से ना। यस मैम। क्लोरोफिल नहीं तो लाइट ट्रैप नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट को ट्रैप करता है, और लाइट ट्रैप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। ओके मैम। अब याद करना, अब ऐसे याद करना कि एक लड़का है जिसका नाम है मॉन्क्स। क्या नाम है? मॉलिब्डेनम, एन नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉन्क्स नाम का लड़का है। मॉन्क्स बोलता है कि मैंने मैंने याद है ना, पहले भी एम एन को मैंने 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 लिखा था। एमजी से याद रखना मैगी, जाकर जेडन, वहां पे भी जाकर पढ़ा था हमने, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी, तो यहाँ पे भी जाकर एफी फेंकी। मॉन्क्स क्या कह रहा है? मॉन्क्स बोलता है कि मैंने मैगी जाकर फेंक दी, मैंने मैगी जाकर फेंकी। ये चीज उससे किसी ने पूछा होगा तभी उसने बताया कि मैंने मैगी जाकर फेंकी। किसने पूछा उससे? एमओएसएन, एमओएसएन पढ़ना जरा इसको सीरीज में। मम्मी नहीं, मौसी, मौसी ने पूछा, मौसी ने किससे पूछा? मॉन्क से, फिर से मॉन्क्स आ गया। और मौसी ने फिर से क्या पूछा कि तुमने किसकी मैगी फेंकी? यस मैम, किसकी मैगी फेंकी? पढ़ो किसकी मैगी थी। नेक्स्ट, काकू की मैगी। तो मॉन्क्स मैंने मैगी जाकर नहीं फेंकी, या फिर वो बोलते थे मैंने मैगी जाकर फेंकी। मौसी ने पूछा, किससे पूछा? मॉन्क से पूछा किसकी मैगी थी? काकू की मैगी थी। मॉन्क्स मैंने मैगी जाकर फेंकी, मौसी ने पूछा मॉन्क से काकू की मैगी। क्लियर? लिख लो इसको, सेम सीरीज में लिखना, याद रह जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। मैम जो आपने लिंक प्रोवाइड करी थी मेट्रो प्रो वाले बैच वाले, तो मैम वो भेज दोगे आप दोबारा से? कौन सा? वो जिससे आपने कहा था कि फिजिक्स कर लेना, मैं वो लिंक भेज, मैं आप लोगों के ना जो कैजुअल ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दे। मैम एक बार और बता दो, क्या बताना है बेटा? ट्रिक बतानी है एक बार और। डेथ विजुअल बता दो। सुनो, मॉन्क्स ने बोला, मॉन्क्स बोलता है कि मैंने मैगी एमजी मैगी जाकर फेंकी। किसको बोला उसने? मौसी को बोला। किसने? मॉन्क्स ने बोला। किसकी मैगी थी? काकू की मैगी। ठीक है, बेटा आप लोगों के ना कैजुअल ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने पहले से अपडेट कर रखा है वहाँ पे। किस, क्या मैम? अरे वो बोल रहा था ना कोई कि मैम वो ड्रॉपर वाला नहीं, मैम वो अपडेट है उसमें कर रखा था, वो तो मैं आपने पहले अपडेट कर लिया, तो वहीं से देख लेना ना, उसी में ही है सारी चीजें। मैम 10% 11th के भी चैप्टर में हम वहीं से कर रहे हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई ना सबको? यस सीरीज याद रखोगे तो याद रह जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक ये वाला पार्ट डन, वो 10% वाला आगे करेंगे, उसको अभी छोड़ दो। अब हमने जितने भी एलिमेंट अब पढ़े, पता मैंने आप लोगों के पहले एलिमेंट याद क्यों कराए? इससे हम लोगों को याद रहेगा अब ये वाली चीजें कि हमें किस किस एलिमेंट का रोल पढ़ना है।
किस एलिमेंट का क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन था, अब हम इसको रिलेट कर पाएंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले पढ़ो नाइट्रोजन। अब मेरे को बताओ नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? माइक्रो है। मैक्रो है। सही में बढ़ जाओगे आप लोग। मैक्रो है भाई, मैंने आपको बताया था ना कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल से मिलके बनी है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिएंगे हमें, चाहिएंगे ना। तो नाइट्रोजन क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और कहां कहां पे अभी हमने इसकी डेफिशिएंसी पड़ी? क्लोरोसिस में भी पड़ा, नेक्रोसिस में भी पड़ा था, और मौसी ने और काकू की मैगी में नहीं पड़ा, बस बाकी सब तीनों में पड़ा, काकू की मैगी में नहीं था। ठीक है, अब सिंपली याद रखना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा है, बायोलॉजी से पढ़ा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेसिस में होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई नाइट्रोजिनस बेस अफेक्ट होगा, नाइट्रोजिनस बेस अफेक्ट होगा तो न्यूक्लिक एसिड अफेक्ट होगा। नाइट्रोजन NH3 अमोनिया के पास प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी तो प्रोटीन अफेक्ट होगा। तो ये लिखते हैं नाइट्रोजन किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, और साथ ही साथ विटामिन और हॉर्मोन्स का भी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एलिमेंट पढ़ो, पहली चीज आपको पढ़नी है कि वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सेकेंड चीज पढ़नी है उसका इम्पोर्टेंट काम क्या है और वो किसकी अंदर प्रेजेंट होता है, किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। पूजा हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी का, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन याद रहेगा किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट है या नाइट्राइट है? ये नाइट्राइट। NO2 होता है नाइट्राइट, और NO4 NH4 अमोनियम आयन, अमोनियम है ना। इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे ये चीज, इसी चैप्टर के एंड में, कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है? N2 N ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वो N2 को, मतलब नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको चाहिए कि नाइट्रोजन को कोई एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा के दे दे। इसको कन्वर्ट करने का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में भी कन्वर्ट करा देते हैं, नाइट्रेट में भी, और अमोनियम आयन भी। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट की हर पार्ट को चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए किसको? इनके मेरिस्टमैटिक टिश्यूज को, और इन्हें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को चाहिए, सेल डिवीजन कराने की सबसे ज्यादा, क्योंकि सेल डिवाइड करेंगे उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यस मैम। तो याद रहेगा नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के लिए सबसे ज्यादा चाहिए, और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स और, तीन पॉइंट है याद करने के। आ जाते हैं फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? H2PO4 नेगेटिव या फिर H4PO4 नेगेटिव। फॉस्फोरस कहाँ पे? फॉस्फेट की फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड ना, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होता है वहां पे भी, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो ऑब्वियसली होता ही होता है। और जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जब पढ़ोगे वहां पे समझोगे फॉस्फोराइलेशन, उसमें भी, और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो अगर फॉस्फेट की कमी हुई तो सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पोटेशियम। जब आप लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ोगे वहां पे पोटेशियम मैलेट थ्योरियम पढ़ेंगे, तो पोटेशियम जो होता है ना वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। पोटेशियम मैलेट थ्योरी के थ्रू क्या होता है ना, आपका जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा पोटेशियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ
पोटेशियम अनायन कटायन बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, अनायन कटायन बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हमारी सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करके रखेगा कि सेल के अंदर वाटर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। यस मैम, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टार्टिंग वाले जो दो है ना उनके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ सिंपली एक है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन वाला, वो तो हम समझ ही जाएंगे। और आपको पता है नीट ऐसा क्वेश्चन तो देता नहीं जो हम डायरेक्टली सॉल्व कर दें, ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाए या जिसपे बच्चों को ध्यान ना जाए, ऐसा देता है ना। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है या फिर अनायन कटायन बैलेंस है, इसके ऊपर पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है एंड यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे भी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में चाहिए और हमारा नाइट्रोजन भी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में था, ठीक है, तो इसलिए याद नहीं रखना है ये वाला पार्ट। और अगर आपसे कोई पूछे टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन कराने के लिए कौन सा आयन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, क्योंकि भाई ऑक्सीजन क्लोजिंग रेगुलेट करता है। क्लियर पोटेशियम। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम Ca+2 की फॉर्म में। मिडिल लैमिना किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। कब बनता है ये मिडिल लैमिना, सेल डिवीजन के टाइम पे ना, दो सेल होते हैं प्लांट सेल जो होती है उसके बाद हार्ड सेल वॉल होती है। यस मैम, सेल डिवाइड नहीं कर पाता, सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है। वेरी गुड, है ना, वहां पे वो मिडिल लैमिना बन जाता है दो सेल्स के बीच में। तो अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो क्या मिडिल लैमिना बन पाएगा? नो मैम, मिडिल लैमिना नहीं बनेगा तो सेल के अंदर क्या सेल डिवीजन हो पाएगा सही से? नहीं होगा। इसका मतलब सेल के अंदर ये जो आपका कैल्शियम है ये मेरिस्टमैटिक डिवाइड करने वाले सेल या फिर डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, सेल डिवीजन के टाइम पे कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, सेल वॉल को सिंथेसिस कराने में, कहाँ पे, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में। और इसके साथ साथ ये माइटोटिक स्पाइंडल्स बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका जनरली कहाँ पे होता है, ओल्ड लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो मैंने आपको कल ही बताया था। बिकॉज कैल्शियम क्या है, नॉन मोबाइल आयन है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। जो पुराना टूटने वाली लीफ है ना हमारी, वो नए वाली पार्ट को नहीं देगा, बोलेगा भाई हम भी जाएंगे इसको भी लेके जाएंगे साथ में। कैल्शियम वाला केस है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन यही पे आता है मिडिल लैमिना वाले पे, कि सेल डिवीजन को कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन इफेक्ट हो जाता है, फिर सेल वॉल सिंथेसिस इफेक्ट हो जाती है। इट्स एक्टिवेट, ये कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है साथ ही साथ, सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी इसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रखना मेन क्वेश्चन जो आएगा वो मिडिल लैमिना और माइटोटिक स्पाइंडल, इन दो पार्ट से। नेक्स्ट मैग्नीशियम किसका सेंट्रल एलिमेंट होता है, ये क्लोरोफिल का। तो यहाँ पे ये जनरली किसके अंदर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और हमारे पास जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को बाइंड कराने में भी तो मैग्नीशियम हेल्प करता है। यस मैम, राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। यस मैम, इसके साथ साथ ये जितने भी रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम या फिर डीएनए और आरएनए सिंथेसिस करने के लिए, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का ही काम करते हैं। रेस्पिरेशन के, फोटोसिंथेसिस के, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, उनके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का ये काम करता है। क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मैग्नीशियम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, मैग्नीशियम। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ सल्फर। सल्फर जो होता है वो किस फॉर्म में है, सल्फेट की फॉर्म में, तो आप लोगों को पता ही है। सल्फर किस किस के अंदर, दो अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, सिस्टीन और मेथियोनिन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बच्चे समझते हैं ये क्वेश्चन है उससे, बायोमोलिक्यूल से, बिगिनिंग क्वेश्चन यहाँ से आया। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड है, विच अमाइनो एसिड हैज सल्फर एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, सिस्टीन एंड मेथियोनिन को कौन कोड करता है, क्वेश्चन आ सकता है ना, विच कोडोन कोड फॉर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, AUG, विच कोडोन कोड फॉर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब जिसको ये नहीं पता होगा सल्फर कंटेनिंग वाला कौन सा है और कौन सा कोडोन है, वो मेथियोनिन ऑप्शंस में कंफ्यूज रहोगे फिर वहां पे, है ना। इसके साथ साथ ही बहुत सारे
जैसे कि कोएंजाइम्स हो गए, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कुछ विटामिन्स का होता है जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, फेरिडॉक्सिन का। क्वेश्चन कभी नहीं आया इस पे, क्वेश्चन जो आया है वो सिस्टीन और मेथियोनिन से ही आया है। क्लियर। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरिक आयरन, P+3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आयरन क्या है? मैंने साइकिल मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नीफ है की माइक्रो है ना, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट। भाई जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि आप लोग उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फेरिडॉक्सिन होता है, FMN होता है, FES होता है, या फिर वो पढ़ोगे आप लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन। यस मैम। तो है ना इसका इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे? साइटोक्रोम्स में भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में भी। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी होता है जनरली, Fe+2 से Fe+3 बन सकता है। और ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये आपका क्लोरोफिल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पहला ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बाकी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है? Fe+2 से Fe3 बनाएगा, Fe3 से Fe2 बनाएगा। बस ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वन वी हैव मैग्नीज। मैग्नीज का रोल सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में। इसलिए बोलती हूँ जो प्लांट फिजियो के सारे चैप्टर ना एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। एक बार पूरी प्लांट फिजियो पढ़ लोगे ना फिर वन शॉट में पूरी प्लांट फिजियो एक बार रिवाइज करना मेरे साथ। पूरी प्लांट फिजियो का जो फियर है ना आप लोगों के माइंड में सब कुछ गायब हो जाएगा। हम लोग वहां पे पढ़ते हैं आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में H2O को स्प्लिट कराते हैं, तो H2O को स्प्लिट कराने के लिए MN की जरूरत पड़ती है ना मैग्नीशियम। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कराना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या शैली? हाइड्रोलाइसिस के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। मैग्नीज की जरूरत पड़ती है वाटर के हाइड्रोलाइसिस के लिए, क्योंकि हम वाटर को स्प्लिट कराएंगे यहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन निकलता है, H पॉजिटिव निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन तो आगे साइकिल में चले जाते हैं और ये H पॉजिटिव निकल के कहाँ जाता है? थायलाकॉइड के ल्यूमन में आ जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है। जिंक, जिंक के ऊपर सिर्फ दो चीजें याद रखना, ये आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ये ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में ऑक्सिन पड़ा है ना इलॉन्गेशन कराता है एपेक्स वाले पार्ट्स की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी PY2 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सिन के ऊपर। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर जो होता है जनरली क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये जनरली प्लांट के हर मेटाबॉलिज्म में चाहिए। ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu+2। याद रखना कौन सी रिएक्शन में, जहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह चल रही होते हैं वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके ऊपर PYQ में कभी क्वेश्चन नहीं आया। बोरोन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। यस मैम। बहुत क्वेश्चन आता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफोर्मेशन, ये तो बाकी की फालतू की चीजें हैं। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पे पूछा जाता है पोलन ट्यूब। नेक्स्ट मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम याद रखना ये आपका नाइट्रोजिनेज में इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजिनेज वाला आगे इसी चैप्टर के एंड में हम टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा पूरा आपको। तो याद रखना नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, या फिर इनका एज ए एंजाइम का पार्ट होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आगे पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा ये। और क्लोरीन तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पता ही होता है। क्लोरीन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है, ये आपका सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने में, एनायन कैटायन बैलेंस। इससे पहले और कौन सा आयन था जो एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन कर रहा था?
पोटेशियम और क्लोरीन याद रखना, से पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, ये दोनों, ये भी वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे हम एम एन प्लस यूज कर रहे थे वाटर स्प्लिटिंग में, वाटर स्प्लिटिंग में एम एन के एब्सेंस में हम क्लोरीन को भी यूज कर सकते हैं। मैम इसमें सोडियम है, सोडियम भी करता है क्या? क्या सोडियम? सोडियम बेटा, ये सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप एनायन कैटायन बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है ना, उनके साथ साथ ये बोलते हैं कि सीएल को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब आप एक चीज देख रहे हो भाई, एनायन कैटायन बैलेंस को ये क्लोरीन भी कर रहा है और पोटेशियम भी कर रहा है, तो क्या हम इनको एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे? Yes, सही है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्राइटेरिया बताया था ना, नहीं रिप्लेसेबल नहीं होने चाहिए। अगर मेरी क्लास में मनीषा आ रही है और मनीषा की कमी शैली पूरी कर रही है तो मनीषा की क्या जरूरत है? मनीषा शंचल थोड़ी ना है मेरी क्लास के लिए। Yes, ये चीज याद रखना है। जैसे मैग्नीज है Mn, उसका काम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, उसके अलावा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और कौन करा रहा है? ऑलमोस्ट देन इसके बाद आपका बच जाता है इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गया, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पढ़ लो कि भाई ये वाले ऐसे न्यूट्रिएंट है कि जो कम अमाउंट में चाहिए लेकिन ये एलिमेंट भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स बना सकते हैं। मतलब पहली चीज हम ये बोल रहे हैं कि हमें कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर इनके बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट हो गई प्लांट के अंदर तो ये टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। हाईलाइट करना, कोई भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यूज जो कि प्लांट के ड्राई वेट को, प्लांट के जो टिश्यूज है उसका ड्राई वेट को 10% तक रिड्यूस कर दे, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या बनता जा रहा है प्लांट के लिए? टॉक्सिक बनता जा रहा है। कोई भी मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है, अगर उसकी वजह से प्लांट के टिश्यूज का ड्राई वेट 10% से कम हो रहा है, ज्यादा नहीं, ड्राई वेट का मतलब होता है उसका जनरली वो वाला उसको होता है ना बर्न करने के बाद जो बचता है वो ड्राई वेट बोलता है उसको, एश वगैरह वाला पूरा वो वाला पार्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कि भाई वो हमारे पास टॉक्सिक हो रहा है। लेकिन टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स होता है ना उनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शैली बोलो बेटा। हम ये बोल रहे थे टॉक्सिन जैसे हमारा बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया तब वॉइस थोड़ा इशू कर। मैंने बोला टॉक्सिन बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है? हार्मफुल है बेटा, कोई भी चीज टॉक्सिक हार्मफुल ही होती है। ओके मैम, ये बोल रहा है माइक्रो कि भाई कम अमाउंट में तो चाहिए एलिमेंट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम भी कर दोगे ना इनका तो तभी एक सिम्टम कोज करने लग जाएंगे, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि एलिमेंट टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम इजीली, ठीक है। और ये टॉक्सिसिटी जो लेवल है ना हर एलिमेंट के लिए अलग हो सकता है कि कोई एलिमेंट 5 ग्राम पे टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, कोई एलिमेंट 3 ग्राम पे ही टॉक्सिसिटी शो करने लग गया है, ये वेरी कर सकता है। अब याद जो आप लोगों को यहाँ पे रखना है वो यहाँ से रखना है। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट हो गया है तो वो एलिमेंट क्या करेगा, बाकी दूसरे एलिमेंट की के अंदर टॉक्सिसिटी कोज करेगा। एक एलिमेंट बहुत ज्यादा, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मेरी क्लास में साक्षी है, ठीक है, क्लास में बाकी और भी बच्चे हैं 30 बच्चे हैं, अगर साक्षी क्लास में बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दे, सिस्मो बोलना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा, जो बाकी बच्चे हैं उनको डिस्टर्बेंस होना शुरू होगा ना, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो सेम चीज ही बोल रहे हैं कि अगर प्लांट के अंदर कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाए तो बाकी दूसरे एलिमेंट को इनहिबिट कर सकता है। आया केस समझ में? यस मैम। यस शैली। मैम जैसे कैंसर सेल होता है वो काफी ज्यादा मारम होता है क्या, मेलिटेंटो में भी पता चला जाता है फिर बाकी उसको सेल्स को इनहिबिट कर देता है, वैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आ जाता है ना सेल के, जैसे कि एक सेल है उसके पास में दो सेल बैठे हैं
तो क्या करे, इसकी कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी सेल है तो अभी इनहिबिट करेगा मेरे आसपास और कोई सेल ना आ जाए, और ये सेल एग्जैक्टली वही चीज है ऑलमोस्ट। मैम ठीक है, अब एक केस इन्होंने दिया हुआ है यही वाला, ठीक है, कि भाई क्या हुआ, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी अगर प्लांट के अंदर होगी तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से प्लांट के अंदर ब्राउन स्पॉट्स विजिबल होंगे, उसकी जो लीफ है ना, ये लीफ होती है, लीफ के ऊपर ऐसे वेन्स होते हैं, इनकी क्लोरोटिक वेन्स के ऊपर, क्लोरोटिक वेन्स मतलब वो वेन्स ऑलरेडी क्लोरोसिस सहन कर रही है, क्लोरोटिक क्लोरोसिस है हो रहा है लीफ के अंदर ऑलरेडी, उसके वेन्स के ऊपर भी ब्राउन स्पॉट्स आने लग गए, तो मेरे को दिखाएगा कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई है। और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि जो मैग्नीज है ना वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कम्पीट करता है फॉर अपटेक एंड विद बाइंडिंग फॉर मैग्नीशियम विद एंजाइम। अगर मैग्नीज की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वो आयरन और मैग्नीशियम के फंक्शंस को नहीं होने देगा, और साथ ही साथ ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन भी रोक देगा। तो सिर्फ मैग्नीज मैंने किस किस को अफेक्ट कर रहा है, कैल्शियम को, फैकी मैगी काकू की, फैकी किसकी, मैगी काकू की, बस तू मत ऐड कर देना यहाँ पे, या फिर एक और ट्रिक होती है जो मैं इसकी बताती हूँ बच्चों को, मग नहीं काफी इन मग काफी मैंने मग में रखे से याद कर, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी तो किस किस को अफेक्ट करेगा, कॉफी कॉफी मेरी मग में है, आई मीन मेरी एमजी मग, कैल्शियम मैग्नीज नहीं मैग्नीज बोले ना आयरन, आयरन उसको ट्रिक क्या आ गई आपकी, मैंने कॉफी फेंकी मग से, काफी मग में, या फिर मैंने काफी मग में रखी, जैसे रखू ना, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोकेगा, आयरन को रोकेगा और मैग्नीशियम की बाइंडिंग को रोकेगा अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई तो। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता, ऑल डन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ लिया मैम, क्या शैली, टॉक्सिसिटी तक, हाँ देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले देखा मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मैक्रो माइक्रो होते हैं, हम कब मिनरल्स को एसेंशियल बोलेंगे वो पढ़ा था हमने, कैसे हम चेक करेंगे कि एक मिनरल की डेफिशिएंसी को पता करेंगे उसके लिए हमने हाइड्रोपोनिक टेक्निक देखी थी, yes, फिर टॉक्सिसिटी पढ़ना शुरू किया था, पहले हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े, फिर हर एक एलिमेंट का इम्पोर्टेंस देखा, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या फंक्शनिंग करता है, फिर हमने माइक्रो की टॉक्सिसिटी देखी, सिंपल, yes, अब बस इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बच जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, कि इन एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एंड देन आपका नाइट्रोजन साइकिल, मेन तो जो आपका क्वेश्चन आता है वो नाइट्रोजन साइकिल वाले पार्ट से आता है, एक लेक्चर लगेगा पूरा अराउंड एक डेढ़ घंटा जिसमें चैप्टर पूरा फिनिश। कल इवनिंग में क्लास नहीं, कल इवनिंग में क्लास नहीं होगी आप लोगों का, कल मॉर्निंग में होगी, बस